Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel पढ़ो लर्न टुगेदर. उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे. ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पेपर पैटर्न के बारे में कि इस साल आपके बोर्ड के एग्जाम्स में किस तरह का पेपर आएगा, उसको कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाएगा और साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपके किस चैप्टर से कितने सवालात बन करके आएंगे, यानी कौन सा चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो चले आ जाएँ आज इस वीडियो में देखते हैं. याद रखना ये बायोलॉजी ऑल पंजाब बोर्ड, पंजाब बोर्ड जो है उससे रिलेटेड है, ये सिंध बोर्ड से रिलेटेड नहीं है. तो चले आ जाते हैं इसके चैप्टर्स देखते हैं और इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होंगे. लेकिन उससे पहले ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं क्या कर दूंगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा. ठीक है, तो चले आ जाते हैं. मेरे पास सबसे पहले एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट? एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इससे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली नंबर हासिल कर सकते हो. कितने? डायरेक्टली 17 मार्क्स हासिल कर सकते हो. तो मैं ये कहूंगा कि आपने क्या करना है, इस एमसीक्यूज की तैयारी अच्छे से करना है. किस चैप्टर से कौन से एमसीक्यूज आएंगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. पहले तो चैप्टर लिख लेता हूँ. टोटल चैप्टर आपके पास बायोलॉजी के अंदर कितने हैं? आपके पास टोटल है तकरीबन 14 चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो इन 14 चैप्टर्स में से आपके पास 17 एमसीक्यूज आएंगे. तो मैं यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ चैप्टर्स को. चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. ठीक है, तो 14 मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिए हैं चैप्टर्स. अब याद रखना है इसमें से चैप्टर्स में से एमसीक्यूज कौन कहाँ कहाँ तक आएंगे. भैया 1 से लेकर 9 तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एमसीक्यूज आएगा. 1 से लेकर 9 तक आपके पास क्या होगा स्टूडेंट? एक एक एमसीक्यूज आएगा. इसमें हर चैप्टर से एक एमसीक्यूज बन करके आएगा. अब बोलोगे स्टूडेंट्स की ये एमसीक्यूज की तैयारी हम कैसे करें. ठीक है, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ. पहले मैं इसके पेयरिंग स्कीम लिख लूँ, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 के में आपके पास 2 एमसीक्यूज आएंगे. मतलब ये चैप्टर काफ़ी बड़ा होगा और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होंगे. ठीक है, तो 10 और 11 में से कितने आ रहे हैं स्टूडेंट? 2-2 आ रहे हैं, जबकि 12 और 13 से दोबारा से 1-1 आ रहे हैं. ठीक है, और फिर 14 से कितने आ रहे हैं एमसीक्यूज? 2 आ रहे हैं, 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं. तो टोटल्स को काउंट करोगे तो आपके पास 17 एमसीक्यूज होंगे मुख्तलिफ चैप्टर से. तो मैंने इसको सामने ही लिख दिया, इतना कोई मैंने इसको आपको बताया नहीं है. ठीक है, इस एमसीक्यूज की तैयारी आपने कैसे करना होगा, प्रीवियस 10 ईयर के तमाम एमसीक्यूज को देखना, बुक के जो पीछे एमसीक्यूज मौजूद होता है उसे देखो हर चैप्टर्स के. ठीक है, साथ साथ गैस पेपर, टारगेट पेपर हो गए उसका देखो, मुख्तलिफ कॉलेज के जो पेपर्स होते हैं, प्रीलियम पेपर्स होते हैं, जो प्री एग्जाम्स होते हैं. ठीक है, तो उन कॉलेज के जाके क्या देखो, उन तमाम कॉलेज के आपने क्या करना है, एग्जाम्स पेपर्स देखना है. ठीक है, जो आपके पास रिलेटिव गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनके आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज देखते हैं. तो मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह ये 17 मार्क्स लेना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो चले आ जाते हैं. जब हमने इसको कर लिया तो अब क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की जाए चलेंगे. ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. अब शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी पैटर्न से. ठीक है, तो याद रखना, आपने एक चीज याद रखना है, तमाम सब्जेक्ट्स के एक ही पैटर्न को क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है. कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 1 तो ये हो गया था एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, जिसमें से आपके पास जो एमसीक्यूज होंगे ना, क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पास होंगे एनी 8 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ कितने में से, 12 में से. इसमें भी आपने क्या करना होगा, एनी 8 करना होगा आउट ऑफ 12 में से, और इसमें से स्टूडेंट एनी 6 करना होगा आउट ऑफ 9 में से. मतलब 9 सवाल दिया जाएगा, 6 करने होंगे और इन दोनों सवाल में बेटा 12-12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको क्या करना होगा, आपने 8-8 सवाल को अटेम्प्ट करना होगा. मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आपने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही करना है, आपने इस पर ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना है. यानी सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की ही तैयारी इससे करने हैं. इस सवाल में शॉर्ट तरह के ही क्वेश्चंस लिखने हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 1 वर्ड में या फिर 1-2 लाइन में हो जाता है. ठीक है, तो उस तरह के सवालात भी इसके अंदर मौजूद होंगे, तो आपने वो भी करना है. ठीक है, और अच्छे से करना है आपका, मैं बोलता हूँ बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा. तो इसके चैप्टर्स, चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चैप्टर को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो कुछ इस तरीके से किया है कि मैं चैप्टर यहाँ लिखूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा. ठीक है, चैप्टर मैं यहाँ लिखूंगा, क्वेश्चन यहाँ,
चैप्टर मेरा यहाँ होगा और क्वेश्चन यहाँ, मतलब इतने इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आएंगे, इतने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 से बेटा स्टूडेंट 1 सवाल आएगा आपके लिए, चैप्टर नंबर 3 से आपके पास 3 सवाल आएगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 से आपके पास 2 सवाल आएगा, चैप्टर नंबर 10 से आपके पास 4 सवाल आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 11 से आपके पास 2 सवाल आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट पैटर्न है जो कि मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 2 सवाल आएगा, चैप्टर नंबर 4 से आपके पास 2 सवाल आएगा, चैप्टर नंबर 7 से आपके पास 3 सवाल आएगा, ठीक है। उसी तरीके से चैप्टर नंबर 13 से आपका 2 सवाल आएगा, जबकि चैप्टर नंबर 14 से आपके पास 3 सवाल आएंगे, ठीक है। तो इससे भी आप क्या करनी है, अपनी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है चैप्टर नंबर 5 है, उससे आपके पास 2 सवाल आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 से जिससे आपके पास 2 सवाल आ जाएंगे, चैप्टर नंबर 9 से आपके पास 3 सवाल आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 12 से आपके पास 2 सवाल आएंगे। तो याद रखना है तमाम चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूड हैं शॉर्ट के लिए, तो आपने उसी तरीके से क्या करना है स्टूडेंट, तैयारी करना है, ठीक है। देखिए मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया हर चैप्टर्स, बताया मैंने कि इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज, इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज, इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज और इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है स्टूडेंट, उसी तरीके से ही तैयारी करना है ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी क्या हो सके, बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। जिन्हें आए थे आप नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे और उसमें से आपने कितने अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो बेटा पंजाब बोर्ड का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे सिर्फ और सिर्फ एनी 3, और आउट ऑफ कितने आएंगे 5, मतलब 5 सवाल आएंगे और 5 में से आपने क्या करना होगा बेटा, 3 सवाल को अटैम्प्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि 4 क्वेश्चन तक वहाँ पे हो गया था, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 5, फिर उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर क्या होगा स्टूडेंट 9। और हर क्वेश्चन का बेटा 2 पार्ट होगा, यानी ए और बी, हर क्वेश्चन का क्या होगा 2 पार्ट ए एंड बी, हर क्वेश्चन का 2 पार्ट ए एंड बी, यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट ए और बी, और यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट ए और बी, ठीक है। इतने तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उनको याद हो जाए कि इस तरीके का पैटर्न बनकर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में से आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो बेटा चैप्टर होगा ए, ए का चैप्टर नंबर 1 से सवाल आएगा, जबकि बी के चैप्टर नंबर 13 से आएगा, ठीक है। ये मेरे पास चैप्टर्स होंगे, ठीक है, और ये मेरे पास चैप्टर सी लिखूंगा सब में, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं है, एक एक ही आएगा ना, ए पार्ट मतलब एक सवाल, ठीक है। फिर उसके बाद 6 से मेरे पास 2 चैप्टर से आएगा और चैप्टर नंबर 8 से आएगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 का सवाल जो है स्टूडेंट वो मेरे पास 4 से आएगा और 12 से आएगा, जबकि 8 का जो मेरे पास सवाल है वो 5 और 14 से आएगा, और मेरे पास 9 का जो सवाल है वो 6 और 11 से आएगा, ठीक है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको तमाम मटेरियल एक ही जगह मिल जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन पर क्लिक करो ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी फिर से। तो अपना ख्याल रखना, अपने एक दूसरे का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।